तो आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं यूट्यूब की तरफ से बहुत ही बेहतरीन अपडेट निकल के आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि अब आप एक ही वीडियो में तीन थंबनेल को अपलोड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि एक ही वीडियो में तीन थंबनेल शो करेगा? जैसे कि आपने एक वीडियो बना लिया, अगर आपका वीडियो किसी के पास जाता है, किसी के ब्राउजर में, ब्राउज फीचर में जाता है या होम स्क्रीन पे जाता है, यूट्यूब एप्लीकेशन में जाता है, तो क्या तीन तीन थंबनेल शो करेगा? सो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तीन थंबनेल क्या है, क्या अपडेट है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, इसकी सारा जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो चला अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पे दबा देंगे ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जो नया फीचर आ रहा है यूट्यूब की तरफ से, जो नया अपडेट आ रहा है, इसका नाम है टेक्स्ट एंड कंपेयर। दोस्तों इसके बारे में, टेक्स्ट एंड कंपेयर के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि आपने एक वीडियो को बनाया और उसके बाद आपने थंबनेल को बनाते हैं, उसके बाद बनाकर सेट करके वीडियो को अपलोड कर देते हैं। थंबनेल बनाकर आप सेट करते हो, थंबनेल तो आप अपने हिसाब से बना लेते हो, जैसे कि आपको अच्छा लगता है वैसे आप थंबनेल को बना लेते हो, थंबनेल बनाकर आप वीडियो को अपलोड कर देते हो। तो कोई फीडबैक देने वाला नहीं होता है कि आपका थंबनेल सही है या नहीं है, आपका थंबनेल सही बना है या नहीं बना है, ये आपको कोई फीडबैक देने वाला ही नहीं होता है। होगा ना दोस्तों कि आपको यूट्यूब खुद फीडबैक देगा कि आपका थंबनेल सही है या नहीं है, आपका थंबनेल सही बना है या नहीं बना है, यूट्यूब आपको खुद फीडबैक देगा। ये तीन थंबनेल से क्या होगा, तीन थंबनेल अलग अलग प्रकार से आप बनाएंगे, तो तीनों थंबनेल को आप अपलोड करेंगे और यूट्यूब आपको 24 घंटे या दो तीन घंटे के अंदर में आपको एक फीडबैक देगा कि आपको कौन से थंबनेल को अपलोड सेट करना है, मतलब आपको मेन में कौन सा थंबनेल को रखना है, वो आपको यूट्यूब खुद बताएगा। उस थंबनेल से, किस थंबनेल से आपको सबसे ज्यादा व्यूज आ रहा है, ये सारी जानकारी आपको यूट्यूब खुद ही देगा। इन थंबनेल वाला अपडेट बहुत ही बेहतरीन है, आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं, और अभी भी इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।